हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आजकल नवरात्रे चल रहे हैं तो प्याज लहसुन वगैरह तो कोई भी नहीं खा रहा होगा, हम तो नहीं खा रहे हैं बिल्कुल भी। तो आजकल मैं वैसे ही इसलिए डिशेस डाल भी रही हूँ। तो आज हम बनाएंगे लौकी कि हम व्रत में देखिए लौकी खा लेते हैं। तो लौकी की खीर मैंने पहले डाली हुई है, लौकी का हलवा, लौकी की मैंने कई चीज़ें डाली हुई हैं व्रत के लिए, तो आप उसको भी देख सकते हैं। आज हम लौकी की सब्जी बनाएंगे व्रत की, और किस तरह से बनाएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें ना हम हल्दी डालेंगे, ना इसमें हम हींग डालेंगे, और ना हम इसमें सौंफ वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। व्रत की लौकी बनाएंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है ये, इतनी लाजवाब होती है कि आप इसको व्रत में रूखा भी खा लेंगे। आप जैसे कोटू सिंगाड़े की पराठी सेक कर खाना चाहें, समा के राइस के साथ रफ समा के चावल भिगो के बना के खाना चाहें। मैंने समा के चावल की भी व्रत की कई रेसिपीज डाली, आप पीछे जाकर देख सकते हैं। तो लौकी को मैं छिलका उतार के छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लौकी को टुकड़ों में काट लिया है, बहुत छोटे टुकड़े नहीं है लेकिन छोटे पतले ही टुकड़े हैं इसमें हमने काट लिया है। और अब मैं इसको किस तरह से छौंकूंगी वो आपको दिखाती हूँ। लेकिन मैं अभी छौंकने से पहले, देखिए मैंने लौंग और काली मिर्च मैंने इसमें इसमें डाल दी है क्रशर में। तो इसके बाद मैं इसको अब आपको बताऊंगी कि मैं इसमें से लौंग और काली मिर्च क्रश करके निकाल लेती हूँ और मैं फ्रेश वो डालती हूँ। तो उसे देखिए ये थोड़ी सी निकल भी रही है कि मैं हमेशा ही इसमें से ही क्रश करके निकाल लेती हूँ और उसको मैं फ्रेश सब्जियों में डाल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुकर रख दिया है, इसमें आप रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं, मक्खन डाल सकते हैं, देसी घी डाल सकते हैं, जो आप व्रत में खाना पसंद करते हैं आप वो डाल सकते हैं। मैंने इसमें कनोला रिफाइंड ऑयल डाला है। इसमें हम थोड़ा सा साबुत लौंग और काली मिर्च डाल देंगे। इसमें मैंने डाली है दो लौंग, मैं अभी दो लौंग और डाल रही हूँ, और थोड़ी सी काली मिर्च करीब मैंने 7-8 डाली है। इसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए मैं ना लौंग का फूल निकाल देती हूँ, लौंग में आगे फूल होता है वो निकाल करके फिर मैं इसको यूज़ करती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये फूल है लौंग का, ये आप गोल गोल देख रहे हैं आगे, ये फूल है, इसको निकाल कर हम डालते हैं क्योंकि फूल जो होता है ये काफ़ी गर्म होता है, तो इसलिए हम इसको फूल निकाल के डालते हैं। देखिए लौंग काली मिर्च तड़क गई है। अब इसमें मैं तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम जीरा डाल रही हूँ, और इसमें मैं डाल रही हूँ करीब 6-7 हरी मिर्च साबुत, आप काट के भी हरी मिर्च डाल सकते हैं और कम भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च 5-6 हरी मिर्च डाल दीजिए, और आप ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी इसमें डाल सकते। देखिए जीरा तड़क गया है, जलना नहीं चाहिए जीरा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून अदरक, आप अदरक खाते हैं ज़्यादा तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन देखिए ज़्यादा अदरक डालने से फिर सब्जी में हल्की सी कड़वाहट आने लगती है, तो इसलिए अदरक भी आप रेशो में ही डालिए, तकरीबन बस 1 चम्मच ज़्यादा से ज़्यादा। और ये मैंने देखिए बोल में लौकी काट ली, एक बड़ा बोल ये लौकी कट के तैयार हो गई है, और ये देखिए मैंने इसमें लौकी डाल दी है, थोड़ा सा इसको मिला देंगे हम। फ्लेम मैंने सिम रखी है, बस तेल गरम होना चाहिए, आँच को बहुत तेज मत रखिएगा। इसमें मैं अब डाल दूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, ये कश्मीरी मिर्च है जिसमें रंग बहुत ही अच्छा आता है सब्जी का। और अब मैं डाल दूँगी ये क्रश की हुई काली मिर्च और लौंग, ये तकरीबन 1/2 टीस्पून मैंने डाली है, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए इसमें पानी हम बहुत ही कम डालने वाले हैं क्योंकि लौकी अपना पानी बहुत छोड़ती है, कोई भी हरी सब्जी जो होती है वो बहुत पानी अपना छोड़ती है, पत्ता गोभी है, लौकी है, पालक है, तो इनमें पानी नहीं डालने की ज़रूरत होती है ज़्यादा। अब नमक, हम ये व्रत का नमक है, और आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको डाल लीजिए, बहुत तेज नहीं होता है नमक, तो नमक थोड़ा सा ये मैं तो डेली यूज़ में ही यही नमक खाती हूँ, तो मेरे को इसमें कोई ख़ास ऐसा फ़र्क पड़ता नहीं है। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन इसमें हम 1/2 कप पानी डालेंगे, इससे ज़्यादा हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। फ्लेम को मैंने तेज कर दिया है, और देखिए मैं इसमें पानी डाल रही हूँ,
पानी ज़्यादा नहीं डालना है, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। तो ये देखिए मैंने इस तरह से ये इसको मैं प्रेशर लगा देती हूँ। इसमें बस अभी इतना ही डालना है और प्रेशर लगाकर, ये वैसे तो बिल्कुल फ्रेश लौकी है, दो विसल में बिल्कुल आराम से गल जाएगी, लेकिन अगर आपका प्रेशर कुकर के ऊपर डिपेंड करता है, गैस की फ्लेम की हीट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको लगता है कि लौकी आपके दो सीटी में नहीं गलेगी तो आप तीन सीटी भी चार सीटी भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको इतनी सीटी मत लगाइएगा कि ये बिल्कुल ही घुट जाए, बिल्कुल ही घुट जाए, इसके पीसेस थोड़े खाने में रहने चाहिए। वो क्यों, वो मैं आपको इसका बाद में भी बताऊंगी, लेकिन गल जानी चाहिए, ऐसे नहीं कि कच्ची रह जाए, गला लीजिए अच्छे से, और लेकिन टुकड़े इसके घुटने नहीं चाहिए। तो मैं इसमें दो विसल लगाकर बंद कर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इसका प्रेशर रिलीज हो गया है, मैं लौकी खोल के देखती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर इसका कलर आया है, एकदम लाल, क्योंकि अभी भाप है मैंने खोला है, और ये देखिए बहुत पानी भी नहीं है, बिल्कुल ठीक ठीक है। अब मैं पहले इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी डालेंगे चीनी, बहुत ज़्यादा नहीं, तकरीबन 1/3 चम्मच चाय का चम्मच। और अब मैं फिर से गैस को ऑन कर लूँगी और इसको एक बॉयल आने दूंगी। देखिए मीनवाइल मैंने ये दही है, ये 3/4 कप दही है, इसको मैंने विस्क किया है, मिक्सी में नहीं फेंटा है, फ्रेश दही है, विस्क होता है, इससे मैंने इसको अच्छे से विस्क कर लिया है, फेंट लिया है, जिससे ये बिल्कुल क्रीम जैसा हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा दही मिलाती जाऊंगी और चलाती जाऊंगी, एकदम से सारा दही नहीं डालेंगे इसमें, थोड़ा 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 दही, इसमें एक एक चम्मच दही इस तरह से मैं डालती जाऊंगी और इसको मैं उबाल आने तक चलाती जाऊंगी, इसमें उबाल आता जाएगा। देखिए उबाल आ रहा है, ये देखिए फिर उबाल आने लगा। अब मैं फिर थोड़ा सा दही डालूंगी इस तरह से और फिर मैं इसको इस तरह से चला दूँ। दही की अपनी खटास और क्रीमी टेक्सचर से, जो क्रीम जैसा इसका टेस्ट है, बहुत अच्छा आता है। फिर उबाल आने लगा, फिर मैं इसमें थोड़ा सा दही डालूंगी। आप एकदम से सारा दही नहीं डालिएगा, नहीं तो दही फट जाता है। ये देखिए इस तरह से मैं दही डालती जाऊंगी, इसके रंगत निखरती जाएगी। देखिए उबाल आता जा रहा है और दही रूम टेम्परेचर पर है, फ्रिज में रखा था मैंने, फ्रेश दही है, लेकिन मैं इसमें इसको मैंने अच्छे से विस्क करके इसको मैंने बाहर रख लिया था। इस तरह से मैं इसको दही ऐड करती जा रही हूँ। ये देखिए फिर इसमें उबाल आ गया और अब मैं इसमें पूरा दही जो बचा है इसमें मैं डाल दूँगी। ये तकरीबन 2 टीस्पून दही इसमें बचा था और अब मैंने इसको डाल दिया। ये देखिए लौकी में पूरा दही पड़ गया है और इसमें हम थोड़ी देर इसको हम बॉईल कर लेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट, बस इससे ज़्यादा हम मैक्सिमम 2 मिनट, इससे ज़्यादा इसको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। दही कच्चा नहीं है, पकता जा रहा है, इसलिए मैंने इसको आपको बोला बॉईल करते रहिएगा, तो उससे क्या है दही हाथ के हाथ पकता रहेगा, दही में बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहेगा। और आप सब्जी की रंगत देखिए कितनी अच्छी आ रही है, अदरक भी है, सब है, और देखिए 2 सीटी में भी कितनी गल गई है, एकदम बिल्कुल से ज़्यादा मैं अगर लगाती तो ये घुट जाती। तो मैंने इसलिए आपको बोला था प्रेशर कुकर और गैस की फ्लेम के ऊपर ये वैरी करता है कि हमें इसमें कितनी सीटी लगानी है। देखिए बस ये लौकी हो गई है और अब मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब ये लौकी को मैं इस बोल में धीरे धीरे ट्रांसफ़र कर दूँगी, ये सर्विंग बोल है, पूरी लौकी को मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये व्रत की लौकी तैयार है, आप देख सकते हैं, ये देखिए इसकी कितनी सुंदर इसकी रंगत आई है, एकदम लाल लाल, बहुत ही बढ़िया, ये बहुत ही लाजवाब, बिना टमाटर के, बिना किसी मसाले के, ना इसमें धनिया है, ना हल्दी है, ना सौंफ है, ना इसमें मैंने अमचूर भी नहीं डाला है, टमाटर भी नहीं डाला है, लेकिन ये इतनी लाजवाब लौकी होती है
कि व्रत में आपको खाने पर मज़ा आ जाएगा। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। मेरे चैनल पर आते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए। अनूठी में विजिट करने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।